इस बीच एक बड़ी खबर आई है, गौपालकों को सीएम की राहत, गौपालन मंत्री रहे नदारद, गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय, राज्य सरकार के किसान महोत्सव आयोजन का मामला, लंपी रोग से पीड़ित गौपालकों को दी गई आर्थिक सहायता, 42,000 गौपालकों को 176 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई लेकिन कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया रहे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, क्या आयोजकों ने नहीं बुलाया भाया को, ये सवाल बनता है, या फिर भाया रहे किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त, तो कुछ भी हो सकता है, शायद किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो, ये भी एक सवाल बनता है, या उन्हें नहीं बुलाया गया, ये भी सवाल बनता है। हालांकि आज दिन में जयपुर शहर में ही मौजूद रहे प्रमोद जैन भाया, वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए सुभाष गर्ग, शकुंतला रावत और प्रताप सिंह, जबकि तीनों ही मंत्रियों का नहीं था आयोजन से सीधा संबंध। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। काशीराम, अगर मंत्री अनुपस्थित रहेंगे जिनका इस कार्यक्रम से सीधा सरोकार था, तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे, गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जो है उन्हें बुलाया नहीं गया या किसी काम में व्यस्त थे, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, इस बारे में तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जब जानकारी लेने का प्रयास किया तो पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जब दूसरे मंत्रियों को बुलाया गया तो निश्चित रूप से जो गोपालन मंत्री है उनको तो आमंत्रित किया ही गया होगा। और ये जो आयोजन था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन विभाग का सम्मिलित रूप से आयोजन था, और कृषि और पशुपालन विभाग जो है वो लालचंद कटारिया के पास है, तो मुख्य रूप से आयोजक जो होस्ट थे वो वही थे। लेकिन जिस तरह से इसमें दूसरे मंत्री भी मौजूद रहे, राज्य सरकार के शकुंतला रावत मौजूद रहे, प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे, इसके अलावा सुभाष गर्ग पहुंचे, आरटीडीसी के जो चेयरमैन है धर्मेंद्र राठौड़ वो पहुंचे, तो निश्चित रूप से जो बुलावा है या निमंत्रण कहें हम, वो जो गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया उनको भी दिया गया होगा। और उनकी गैर मौजूदगी इसलिए कि चर्चा का विषय रही क्योंकि ये जो कार्यक्रम था वो मुख्य रूप से गौपालकों से जुड़ा हुआ था, और प्रदेश के 42,000 गौपालकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, जो कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है, क्योंकि और किसी राज्य में लंपी चोक से पीड़ित जो गायों की जिनकी मौत हुई उनके गौपालकों को कहीं कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई थी, और ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, प्रत्येक गौपालक के खाते में 40,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। तो ऐसी इतनी बड़ी कवायद अगर हो रही है और गोपालन मंत्री मौजूद नहीं है तो ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है, और ऐसी चर्चा न केवल जो वहां मौजूद अधिकारी थे उनमें रही बल्कि आम गोपालकों में भी चर्चा थी, और साथ ही जो दूसरे राजनीति से जुड़े हुए लोग थे वहां विभागों के मंत्री उनमें भी आपस में ऐसी चर्चा देखी गई। ठीक है काशीराम, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।